नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश की आजादी के बाद से भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक ही साल में 5 भारत रत्न दिए गए हों। देश का सबसे बड़ा सम्मान सबसे पहले आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को साल 1954 में दिया गया था। लेकिन साल 2024 के राजनीतिक माहौल में मोदी सरकार ने एक के बाद एक 5 भारत रत्न देकर सबको चौंका दिया है। भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 5 भारत रत्न देकर कई संदेश भी दिए हैं। चुनावी पंडित अपने अपने हिसाब से इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने ढूंढ रहे हैं। कई लोग इसे बीजेपी की सियासी रणनीति से लेकर सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा भी बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे हाल ही में दिए गए 5 भारत रत्नों से क्या 5 संदेश राजनीतिक हलकों और देश की जनता के बीच गए हैं। कांग्रेस की विरासत पर एक और चोट। देश के पूर्व पीएम पीवी नरसिम्ह राव को भारत रत्न देकर पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कांग्रेस की एक और विरासत को अपने पाले में करने की बड़ी कवायद की है। पीएम मोदी की कई मौके पर कांग्रेस और गांधी परिवार का नरसिंह राव की उपेक्षा करने का आरोप लगा चुके हैं और ये बात भी जगजाहिर है कि नरसिंह राव और सोनिया गांधी के बीच बेहतर संबंध नहीं थे। जिस तरह पीएम मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद सरदार पटेल के बाद एक एक विरासत को अपने पाले में किया है, नरसिंह राव को भारत रत्न देना भी उनकी मुहिम का एक बड़ा हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार ने ही कांग्रेस के एक और नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया था। यही बड़ी वजह मानी जाती है कि बाद के सालों में प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बेहतर मधुर संबंध हो गए थे। ये अपने आप में बड़ा संदेश है कि पीएम मोदी अच्छे कांग्रेसियों का सम्मान करने से पीछे नहीं हटते। किसानों के मुद्दे पर मोदी का बड़ा संदेश। दूसरा बड़ा संदेश यह है कि मोदी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को ऐसे समय में भारत रत्न दिया है जब देश में एक बार फिर किसानों का मुद्दा गर्मा चुका है। किसान एक बार फिर आम चुनाव से पहले किसान आंदोलन के मूड में है, लेकिन किसानों के अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक और दूसरी ओर से किसानों के अब तक के सबसे बड़े नेता को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। दरअसल साल 2020 में जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ और तब सरकार बैकफुट पर आ गई थी, तब कहा गया कि सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए, ना ही सही तरीके से संवाद किया। इसका कुछ हद तक खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी और केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े दो बड़े नामों को भारत रत्न देकर संदेश देने में जरूर सफलता पाई कि वह उनके और उनके मुद्दों के साथ खड़ी है। भगवा पार्टी का दक्षिण पर पूरा फोकस। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने दक्षिण विस्तार पर अपना पूरा फोकस रखा है। शुक्रवार को जो 3 भारत रत्न की घोषणा हुई उसमें 2 दक्षिण भारत के ही थे, पीवी नरसिंह राव और एमएस स्वामीनाथन। वहीं पिछले दिनों पद्म सम्मान से भी दक्षिण के नामचीन लोगों को प्रमुखता मिली थी। शुक्रवार को जो 3 भारत रत्न की घोषणा हुई उसमें 2 दक्षिण भारत के ही थे, पीवी नरसिंह राव और एमएस स्वामीनाथन। वहीं पिछले दिनों पद्म श्री सम्मान में भी दक्षिण के नामचीन लोगों को प्रमुखता मिली थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के कई मंदिरों का दौरा किया था। उन्होंने देश में पहली बार उत्तर और दक्षिण को एक करने के लिए काशी तमिल समागम जैसी पहल भी की थी। दरअसल बीजेपी को ये बात बखूबी पता है कि अगर पार्टी को साल 2019 के मुकाबले साल 2024 में अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी है और अब की बार 400 पार के नारे को अमली जामा पहनाना है तो उसे दक्षिण के राज्यों में अपने हाथ पैर फैलाने होंगे। साथ ही विधानसभा हारते हुए कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा जहां बीजेपी ने साल 2019 में बेहतर प्रदर्शन किया था। दक्षिण से भारत रत्न का सम्मान देकर बीजेपी उन आरोपों को भी खारिज करने की कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत को मोदी सरकार उत्तर के मुकाबले कम तरजीह देती है। हिंदुत्व नायकों को भी दिया सम्मान। जननायक कर्पूरी के बाद
पिछले दिनों लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी संकेत भी अपने कट्टर समर्थकों को दे दिया कि वो देश में विरासत और हिंदुत्व के प्रतीक रही शख्सियतों को भी सम्मान देते रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का खास संकेत और संदेश दोनों था। दरअसल नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में प्रतीकों की राजनीति को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम दिया है। वे इस पर खास तरीके से काम करते हैं जिसका अपना सियासी संदेश रहा है। ऐसे में आडवाणी को भारत रत्न देने का टाइमिंग भी अहम माना गया है जिसमें हिंदुत्व वाले वोटर को सीधे सीधे संदेश दिया गया है। भारत रत्न के बहाने पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग का भी बेमिसाल उदाहरण पेश किया है। पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार में पिछड़ों और अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने जाट समुदाय को अपने रेडार में रखा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों समुदाय अपने अपने इस नायक को भारत रत्न देने की मांग सालों से कर रहे थे और दोनों से जुड़े समुदाय के लोग पिछले कुछ दिनों तक बीजेपी से दूर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का दांव चलकर न सिर्फ दोनों समुदायों के बीच बड़ा संदेश दिया, वहीं इनसे जुड़े दलों को आम चुनाव से पहले अपने पाले में कर लिया है। तो देखा आपने किस तरह से पीएम मोदी ने सरकार ने 5 भारत रत्न से 5 बड़े संदेश देश की जनता को इनडायरेक्ट तौर पर दिए हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना।